हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रीट 24 जुलाई का सेकंड पारी का सेकंड पेपर हल करवा रहा हूं। इसमें देखिए दोस्तों, मैं टोटल 70 क्वेश्चन हल करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रताप समाचार पत्र किसने लिखा? तो गणेश शंकर ने लिखा था। रागड़ी निम्बादी किसकी बोलियाँ है? तो मालवी की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी कौन सी है? तो ऐहोल है। अगुलहास जलधारा किस महासागर में? हिंद महासागर में। हातल गांव सिरोही में। दूसरा जिब्राल्टर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पुष्कर भरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। 1857 सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेसी होल था। मूल संरचना सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? तो केशवानंद भारती ने बनाया एक केरल राजवंश 1973 से संबंधित है। थेरी माता किस पिटक से संबंधित है? तो विनय पिटक से संबंधित है। विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। सो माई और जाकम ये बेणेश्वर धाम। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई, किस नाम से है? 1857 में हुई थी। ये मदरसा हुंदरी के नाम से जाना जाता है। तुलसी आर्ट आभूषणों को कहाँ पर पहनते हैं? तो गले में पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक बार, सम्मिलित कीजिए। हाथी महोत्सव ये जयपुर के अंदर है। ऊँट महोत्सव ये बीकानेर के अंदर है। थार महोत्सव बाड़मेर में। पतंग महोत्सव ये जयपुर में। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। ब्राह्मणों को दी जाने वाली उपाधि को क्या कहते हैं? अगर हार कहते हैं ब्राह्मणों को दी जाने वाली उपाधि को। वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति का है। ये भारतीय पुरातत्व विभाग निदेशक कौन थे? तो 1861 में एलेक्सजेंडर कनीधम थे। 1987 में सूर्यमल पुस्तक पुस्तकार कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए दिया गया? तो शब्द रचना के लिए दिया गया। भारत में बेरीगाजा बंदरगाह किस का यूनानी नाम था? तो भेरूच का था। मोतीलाल तेजावत का गांव कौन सा है? तो कोलियारी गांव है ये उदयपुर में। राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या कार्य है? तो न्यूनतम महिला आयोग को संरक्षण देना है। प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो संघीय संसद का उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में, संघीय संसद। दक्षिणी अंटार्कटिका की धाराएं बेगुला धाराएं और ब्राजीलियन ये धाराएं। उत्तर से पश्चिम पर्वतमालाओं को क्रम से जचाइए, तो इसमें है सतपुड़ा अरावली और विंध्याचल। तो इसको क्रमबद्ध जचाएंगे तो ये हो जाएगा, इसके अंदर पहला आ जाएगी अरावली, दूसरा विंध्याचल और तीसरा सतपुड़ा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, से अक्षांश में देशांतर बताइए। अक्षांश उत्तरी दक्षिणी 0 से 90 डिग्री की ओर और देशांतर पूर्वी पश्चिमी 0 से 180 डिग्री की ओर। भारत का भूलायतरे में पाए जाने वाला वन है? तो उष्णकटिबंधीय और पर्वतपाती वन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। राज्यों के मध्य विवाद किसका अधिकार क्षेत्र है? इसमें देखिए उच्च सर्वोच्च न्यायालय का है। स्वीप क्या है? मतदाता जागरूकता के लिए चलाया गया अभियान है। लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? पोक्सो एक्ट 2012 में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। मंत्रिपरिषद का आकार तो 91वां संशोधन ये 2003 में किया गया। मंत्रिपरिषद का आकार बढ़ाया गया मंत्रिपरिषद को। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है? तो जोधपुर में, बडला गांव में। आँख का अंधा और गांठ का पूरा मोहरे का अर्थ बताइए। तो ऐसा मूक व्यक्ति जो धनवान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार 86 संशोधन है ये 2022 में किया गया। कॉपी में लिंग कौन सा है? तो स्त्रीलिंग है कॉपी में, क्योंकि वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। वेजान उपसर्ग है तो वे उपसर्ग है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
रामनदी संप्रदाय के प्रधान पीठ गलता जी है ये जयपुर में। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1528 को हुई थी राणा सांगा की मृत्यु। डलहौजी ने किस राज्य के बारे में ये कहा कि ये फल हमारे मूल में गिरेगा? तो अर्ध राज्य के बारे में कहा था इसने। हिमालय में कौन सा समास है? हिमालय में तत्पुरुष समास है। घोर का पर्यायवाची बताइए तो भीषण, भयंकर, दारुण, विकराल और प्रचुर है। केवड़ा की नाल ये उदयपुर में। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे एक बार, प्लीज लाइक कर दे एक बार। राज्य में प्रथम नगरपालिका कहाँ पर थी, कहाँ पर स्टार्ट की गई नगरपालिका? प्रथम नगरपालिका माउंट आबू में स्थापित की गई 1864 में। 61वां संविधान संशोधन क्या है? तो वोट को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया ये संशोधन ने 61वां। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 74 ये कहता है राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीमारी का पर्यायवाची तो रुग्ण निरुज। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी थे। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु 1528 में हुई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे। काला आदमी में कौन सा समास है? तो काला आदमी में कर्मधारय समास है। अत्याचार में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है इसमें। सॉरी दोस्तों, अति प्लस आचार ये ऋण संधि है, संधि बतानी है इसके अंदर। अत्याचार में यह ऋण संधि, अति प्लस आचार। और ले वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दांत से होता है ले वर्ण का उच्चार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कौन से अधिनियम में किया गया? तो 86 संविधान संशोधन में किया गया। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद का उल्लेख तो भारत में पहली बार किया गया। प्रथम बार बारूद का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने किया था प्रथम बार बारूद का प्रयोग। कलिंग में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो राणा लाखा के शासनकाल में हुआ पिछोला झील का निर्माण। अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अति प्लस अधिक यण संधि है इसके अंदर। विलोम का विलोम शब्द बताइए। तो विलोम का विलोम शब्द प्रश्न हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं इसके अंदर। मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई? 18 मार्च 1948 को की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1947 में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन है? मोर्टिमर व्हीलर है इसके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खा था, हकीम का सूरी था। सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है सबसे प्राचीन विधि। बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरी बाई को कहते हैं बागड़ की मीरा। पच्चाई कला तो नाथ द्वारा राज संबंध संबंधित है पच्चाई कला। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो वर्धा 1919 में की गई। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 301A में। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में स्थित है। जय सिंह गारिका की मुख्य वस्तु है? तो ज्योतिष है। जहांगीर की माता किससे संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? कच्छा वंश से संबंधित है ये। बुधचरित की रचना अधोघोष ने की थी। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एकीकरण मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई? 17-18 मार्च 1948 को की गई। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। पर्याक्ष प्रस्थी की भाषा है तो संस्कृत भाषा है ये। विश्व की स्थापना कब की गई? 21 मार्च को की गई। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 76% हल करवाए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले। दोस्तों थैंक यू।